हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन मैप यानी कि वितरण मानचित्र, और वितरण मानचित्र में हम लोग पढ़ रहे हैं मात्रात्मक विधि यानी कि क्वांटिटेटिव मैप। मात्रात्मक विधि में हम लोग इससे पिछले वीडियो में बिंदु विधि के बारे में, उससे पहले हम लोग वर्णमात्र विधि के बारे में, सम्मान रेखा विधि के बारे में पढ़ चुके हैं, और इसी में बिंदु विधि में ही एक अगला टॉपिक है जिसे आज हम लोग पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है क्षेत्रीय या स्टेनजेंट बोअर विधि। इसको इंग्लिश में एरियल या स्टेनजेल बोअर मेथड्स के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो बिंदु विधि होती है वह किसी राज्य, क्षेत्र या देश की जो कुल जनसंख्या होती है उस संख्या को बिंदु के आधार पर हम लोग उसको बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको राजस्थान के उदाहरण में बताया था कि यदि राजस्थान में 33 जिले हैं और अलग अलग ज़िले वाइज अगर आपको जनसंख्या दी गई है और एक ज़िले की जितनी जनसंख्या होती है उसे एक बिंदु के आधार पर जितनी जनसंख्या की वैल्यू ली जाती है उतनी ही बिंदु उस ज़िले में दिखा दिए जाते हैं। तो वहाँ पर चाहे नगर हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, सभी के लिए बिंदु का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो स्टेनजेंट बोअर मेथड होता है इसमें और बिंदु विधि में थोड़ा अंतर ये रहता है कि बिंदु विधि में ग्रामीण और नगरीय दोनों ही जनसंख्या को बिंदु के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, जबकि यहाँ पर जो स्टेनजेंट बोअर मेथड्स रहता है इसमें ग्रामीण जनसंख्या को बिंदु के माध्यम से जबकि नगरीय जनसंख्या को यहाँ पर वृत्त के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। इस विधि को बनाते समय यह विशेष ध्यान रखना होता है कि किसी गांव की संख्या न्यूनतम कितनी है और किसी नगर की संख्या न्यूनतम कितनी है, उसी न्यूनतम संख्या के मान को आधार मानते हुए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान के चलें कि यह कोई किसी एरिया का नक्शा है और यहाँ पर जैसे ये ए कोई सिटी है और यहाँ पर जैसे बी कोई सिटी है और बाकी जो क्षेत्र है यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या रहती है, और यदि हमारे पास यहाँ के आंकड़े उपलब्ध हैं तो हम इसको दिए गए आंकड़ों के आधार पर इसको हम लोग यहाँ पर इसको बना लेते हैं। पहले हम लोग इसका क्वेश्चन समझते हैं जब मैं यहाँ आपको समझाऊंगा कि इसे कैसे बनाते हैं। जैसे मान के चलिए वो कह रहा है कि यदि एक बिंदु 2500 ग्रामीण जनसंख्या को प्रदर्शित करता है, एक बिंदु जो जनसंख्या न्यूनतम है ग्रामीण क्षेत्रीय वहाँ के लिए 2500 की जनसंख्या को प्रदर्शित करता है, अगर इस बिंदु का अर्धव्यास 0.5 मिलीमीटर है तो वो ये कह रहा है कि यदि 2500 की जनसंख्या किसी ग्रामीण क्षेत्र में है या किसी गांव की है तो उसके लिए जो हम बिंदु लगा रहे हैं तो वह 0.5 मिलीमीटर का बिंदु है। इसी में कह रहा है कि तो 10 लाख जनसंख्या वाले नगर का अर्धव्यास ज्ञात कीजिए। वो आपसे कह रहा है कि अगर गांव में किसी गांव की जनसंख्या 2500 है तो उसके लिए हम 0.5 मिलीमीटर का एक बिंदु रखते हैं, एक डॉट रखते हैं, और यदि वह किसी नगर के बारे में कह रहा है कि अगर किसी नगर की जनसंख्या 10 लाख है तो उस नगर का जो वृत्त होगा वो कितने मिलीमीटर का होगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका सीधा सा रहता है कि रेडिएशन बराबर, तो रेडिएशन बराबर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो जो जनसंख्या दी गई है नगर की उस संख्या को तो ऊपर रखते हैं, तो जैसे यहाँ ऊपर हम लोग लिख लेंगे 10 लाख और जो न्यूनतम जो जनसंख्या दी गई है गांव की वो कितनी है 2500, उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे नीचे उस संख्या को लिख लेते हैं। अब इसी में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये 2500 के लिए वो कह रहा है कि 0.5 मिलीमीटर का इसका अर्धव्यास बिंदु के लिए लिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे 0.5 मिलीमीटर। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे
कि जब हम इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे r बराबर, तो जब हम इसका इसका रूट खोलेंगे तो ये जो ऊपर संख्या है 10 लाख, उसका आएगा 1000, यहाँ पे आएगा 1000, और नीचे का 2500 को आप यहाँ देखोगे तो ये आएगा 50 इंटू, ये यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है 0.5, ये वही है जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे वो कह रहा था क्वेश्चन में कि 2500 की जो ग्रामीण जनसंख्या है उसके लिए 0.5 मिलीमीटर लिया गया, तो हमने यहाँ रख लिया। अब इसको जब आप इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे r बराबर जब 50 का आप डिवाइडेशन करेंगे यहाँ पे 1000 में देंगे, तो यहाँ पे ये 20 बार जाएगा, तो 20 इंटू आप जब 0.5 करेंगे तो इसका आएगा यहाँ पे 10 मिलीमीटर। इसको सॉल्व करने पर आपका जो आंसर प्राप्त होगा वो होगा 10 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर, एक ही बात है। अब मान के चलें कि ये जो 10 लाख जो जनसंख्या दे रखी है वो यहाँ ए के लिए है, और बी के लिए मान के चलें कि ये जनसंख्या 5 लाख है। तो जैसा आप जानते होंगे कि यहाँ पर अगर कोई शहर है, यहाँ की जनसंख्या 10 लाख है, तो इसके लिए आपको 1 सेंटीमीटर करना ये होगा कि 1 सेंटीमीटर आपको प्रकार में अर्धव्यास लेना होगा, और ए के स्थान पर यहाँ पर आपको एक यहाँ पर व्रत बनाना होगा। तो जैसे ये हमने ये व्रत बना दिया, अब ये जो व्रत है ये वाला, अब ये नगरीय क्षेत्र की जो जनसंख्या है उसको प्रदर्शित करेगा। अब ऐसे ही हमने कहा जैसे ये बी वाला है और बी पर जैसे जनसंख्या इसकी है मान के चलो 5 लाख है, और तो यहाँ पर जब आप इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 मिलीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर आएगा, तो यहाँ बी वाले स्थान पर जो हमारा व्रत होगा वो 0.5 सेंटीमीटर अर्धव्यास का व्यास होगा। इस प्रकार से ये यहाँ प्राप्त हो जाता है। अब जैसे मान चले कि यहाँ पर ये जो स्थान दिया गया है यहाँ पे ये ग्रामीण जनसंख्या है, और यहाँ पे जो ग्रामीण जनसंख्या है मान के चलें कि वो ग्रामीण जनसंख्या है जैसे 15000, ये 15000 ग्रामीण जनसंख्या है। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में पता है तो वो ये कह रहा है कि जो 2500 की जो जनसंख्या है वहाँ पर हम 0.5 जो मिलीमीटर का एक बिंदु प्रदर्शित करते हैं। तो आप जानते होंगे जबकि 2500 के लिए जब यहाँ पर हम लोग एक बिंदु को शो करेंगे, अब यहाँ पर 15000 जो दिया गया है तो इसके लिए 6 बिंदु होंगे। तो इस पूरे एरिया में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 6 बिंदु जो कि 0.5 मिलीमीटर साइज के होंगे, उन 6 बिंदुओं को यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये 6 बिंदु यहाँ प्रदर्शित होंगे। इसी प्रकार से ये क्योंकि ग्रामीण जनसंख्या है तो यहाँ भी हम देखें कितनी जनसंख्या है उतने ही बिंदु यहाँ पर रख दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जितनी जनसंख्या ग्रामीण होती है वहाँ पर ये बिंदु प्रदर्शित कर दिए जाते हैं, और इस प्रकार से ये यहाँ पर ये कोई अलग अलग यहाँ पर सीमाएँ हो सकती हैं। तो इस प्रकार से ये बन करके तैयार हो जाता है स्टीलजेनवोर विधि। स्टीलजेनवोर विधि का सीधा तात्पर्य है कि ग्रामीण जनसंख्या को बिंदु के द्वारा प्रदर्शित करना और नगरीय जनसंख्या को वृत्त के माध्यम से प्रदर्शित करना ही ये स्टीलजेनवोर मेथड कहलाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम एक नया मेथड और पढ़ेंगे। थैंक यू।